हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का है ना अजीब सा चैप्टर है, मतलब इसको जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि पढ़े तो इसमें पढ़े क्या, है ना। वो होती है ना जनरल नॉलेज की बातें, कॉमन सेंस की बातें, वो बातें हैं। और अपना बायोलॉजी में, इकोलॉजी में ना जो एनवायरमेंटल इशू, वहां से आधी बातें इसमें ठूसी गई हैं। तो ये अजीब सा ही चैप्टर है, इसको पढ़े कि नहीं पढ़े अपने को डिसाइड ही नहीं होता है। पर फिर भी जैसा भी है, जो भी है, हम इसको कर लेते हैं जितना भी है ना। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं क्या कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी पोल्यूशन की आखिरकार डेफिनेशन क्या होती है। देखो सिंपल सी चीज है, क्या अनडिजायरेबल चेंज आ जाए अगर हमारी सराउंडिंग में और उसका हार्मफुल इफेक्ट हो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, ईटीसी पे। फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में जो हवा है, एयर है, वो शुद्ध है, वो फ्रेश है, बट उसमें अनडिजायरेबल चेंज आ जाए यानी उसमें पोल्यूशन हो जाए, है ना, उसमें धुआं हो जाए, ये वो हो जाए, तो वो क्या है अपने को नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन का ना कारण बनते हैं, जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, पोल्यूटेंट बोल देते हैं। सब्सटेंस विच कॉज पोल्यूशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो पोल्यूटेंट हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसको दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका क्या बोलता है कि प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी। ये क्या होगा ये वाला लेते हैं इतने गड़ा नहीं। ठीक है, तो क्या है, पोल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। देखो प्राइमरी का मतलब है वो नेचर में ऐसे के ऐसे पाए जाते हैं, जैसे SO2 है वो ऐसे की ऐसे पाई जाती है, NO2 वो ऐसे के ऐसे पाई जाती है। और सेकेंडरी क्या है, कॉम्बिनेशन से ना मिलजुल के बने हैं, बहुत सारी रिएक्शन हुई है और मिलजुल के वो बने हैं, जैसे कि पैन हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन अपनी पोल्यूटेंट्स की, बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। ये तो अपने को पता ही है, बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड कर पाए, जैसे कि प्लांट की है ना पेड़ की पत्तियां होगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको है ना बैक्टीरिया फंजाई अपने डिग्रेड ना कर पाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे DDT हो गया, हैवी मेटल्स हो गए। नोट्स का फिर से बता रहा हूं, 2-3 स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसमें नोट्स जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, देखो ये अपना क्या है, ये अपना एटमोस्फेयर है। अब एटमोस्फेयर में जो सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर। ठीक है, सबसे नीचे कब से, सी सरफेस है ना, सी लेवल से बात करें, समुद्र के तल से बात करें, तो 0 से 10 किलोमीटर होगा अपना ट्रोपोस्फेयर होगा, और 10 से 50 किलोमीटर होगा क्या स्ट्रेटोस्फेयर होगा, उससे ऊपर मीजोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर, और पूरे को हम क्या बोल देते हैं, एटमोस्फेयर बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयरिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो पोल्यूशन फैलाने वाले दो टाइप की चीजें हो सकती है, एक गैसियस हो सकती है और एक क्या है पार्टिकुलेट, है ना। गैसियस मतलब गैस और पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल, सिंपल सी बात है। गैस कैसी होंगी, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। पार्टिकुलेट में कैसे दिया हुआ है अपनी NCERT में कि क्या है, वायबल हो सकते हैं, नॉन वायबल हो सकते हैं। वायबल में जनरली अपने क्या आ जाएंगे, लिविंग वाले आ जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई आगे। नॉन वायबल में नॉन लिविंग, जैसे कि स्मोक हो गया, मिस्ट, डस्ट, फ्यूम्स, ये सब। ठीक है, अब देखो ये गैसियस में बारी बारी से बात करेंगे हम, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं हमें, जैसे कि अस्थमा कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, इम्फाइसीमा कर सकते हैं। ठीक है, और आंखों में इरिटेशन होती है सल्फर के ऑक्साइड, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे आंखों में इरिटेशन होगी, आंखें अपनी लाल हो जाएंगी। नेक्स्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, और वो कहां से आते हैं, फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाएंगे तो वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनकंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ठीक है, जो गाड़ियों में, अपने व्हीकल में, ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसके इनकंप्लीट कंबस्टन से अपने हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन के दो ऑक्साइड अपने को देखने हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं। देखो हीमोग्लोबिन के साथ नॉर्मली किसको बाइंड करना चाहिए, ऑक्सीजन को बाइंड करना चाहिए, बट ऑक्सीजन की जगह पे ये वाला बाइंड कर जाता है अगर अपने अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी है ना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से बाइंड करता है। ठीक है, तो बनना था क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना था, पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो हीमोग्लोबिन के किसने बुक कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने, ठीक है, हीमोग्लोबिन को किसने बुक कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने बुक कर दिया, है ना, तो ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बची, तो ऑक्सीजन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कहां से आती है, रेस्पिरेशन से, है ना, हम सांस छोड़ते हैं जो, है ना, उसमें CO2 बाहर निकालते हैं, सिंपल सी बात है, और क्या है, फ्यूल्स की बर्निंग से, ईंधन के जलाने से, है ना, और CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल है। ग्लोबल वार्मिंग में बात हुई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी बात करनी पड़ेगी, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। देखो सबसे ज्यादा होती है CO2, फिर CH4, फिर CFC, फिर N2, है ना, ऐसे याद रखना, CCC, है ना, और CO2 सबसे ज्यादा होगी, CH4 के साथ कंफ्यूज मत होना, CH4 क्या है, मीथेन है, ये एक बायोगैस है, तो बायोगैस का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मीथेन होगी, और ग्रीन हाउस गैस पूछा जाए तो सबसे ज्यादा CO2 होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन, देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपनी जमीन है, ये अपनी जमीन है और जमीन पे ये फैक्ट्री लगी हुई है और ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, अब फैक्ट्री से धुआं यानी पोल्यूशन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगी, उसमें SO2 भी होगी, है ना, और क्या है उसमें NO2 भी होगी, है ना, सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, ये होंगे, ठीक है। अब यहां पे आसमान में अपने क्या है, बादल हैं, आसमान में अपने बादल हैं और ये मान लो ये गैस यहां पे पहुंच गई, SO2 NO2, ठीक है। अब मान लो बारिश होनी है तो बादलों में क्या होगा, पानी होगा, बारिश होनी है बादलों में पानी होगा तो ये SO2 से यहां क्या बन जाता है, SO2 से बन जाता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और NO2 से क्या बन जाता है, यहां नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ये नाइट्रिक एसिड बन गया, तो जब बारिश होगी तो ये क्या है, बारिश के साथ नीचे आएंगे तो ये भी एसिड है, तो इस रेन को क्या बोल देते हैं हम, एसिड रेन बोल देते हैं। और इसकी pH का क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ऐसी बारिश जिसकी pH लेस देन 5.6 है उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है कि रिकमेंडेशन उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहला पॉइंट है अपना फ्लूराइड्स के रिलेटेड, देखो फ्लूराइड जो है हमें अपने ड्रिंकिंग वाटर में चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि फ्लूराइड जो है वो इनेमल, दांतों के ऊपर इनेमल होता है, टीथ्स के ऊपर उसको बनाने में काम आता है, ठीक है। अब फ्लूराइड की अगर पानी में कमी हो जाएगी तो इनेमल के साथ बड़ी होगी तो डिकेइंग ऑफ टूथ हो जाएंगी, मतलब एक बात तो क्लियर है अपने को फ्लूराइड चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, कितना चाहिए, 1 ppm अपने को चाहिए, तो उतना पानी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब 1 ppm से कम हुआ तो डिकेइंग ऑफ टूथ हो जाएगी, है ना, और ज्यादा हुआ तो ज्यादा का NCERT में क्या लिखा हुआ है कि मोर देन 2 ppm, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोर देन 2 ppm हो गया तो मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाती है, और मोर देन 10 ppm ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना, तो इससे क्या है हड्डियां तक खराब हो जाती है, हड्डियां तक, दांत तो होंगे हड्डियों पे भी असर पड़ता है। अब फ्लूराइड्स के बाद हमें बात करनी है लेड की, तो लेड की लिमिट कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो 50 ppb यानी 50 पार्ट्स पर बिलियन दी हुई है, कि इससे कम होनी चाहिए, इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो किडनी लीवर को भी डैमेज हो सकता है। सल्फेट की लिमिट कंसंट्रेशन कितनी दी है, 500 ppm दी है। नाइट्रेट की लिमिट कंसंट्रेशन 50 ppm दी है, कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नाइट्रेट में एक बीमारी आपको याद रखनी है कि इससे ज्यादा अगर नाइट्रेट हो गया तो मिथेमोग्लोबिनीमिया ये हो जाता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम अब बोलते हैं। नेक्स्ट मेटल की ये कंसंट्रेशन दी हुई है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम कॉपर जिंक कैडमियम ये इनकी कंसंट्रेशन दी है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट वाला टॉपिक हो गया जिसमें अपने को BOD के बारे में और CO2 के बारे में पढ़ना रहता है, और अब ये अपनी बायोलॉजी में है ना, एनवायरमेंटल इशू जो इकोलॉजी में चैप्टर है वहां पे भी है, तो ये अभी आपके सामने चलेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में स्मोक दी हुई है, और इस चैप्टर में स्मोक दी हुई है, फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन वो स्मोक है ना, वो भी आपके सामने अभी चलेगा, जो कि एनवायरमेंटल इशू में भी अपना नॉर्मली पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने चलने जा रहे हैं, हम स्मोग की बात कर रहे हैं, स्मोग की है ना, देखो ये क्वेश्चन है ना, इससे पूछ लिया जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्मोग यानी स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग से बना क्या वर्ड बना, स्मोग अपना बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं, और फोग यानी फोग होती है धुंध, तो धुआं प्लस धुंध मिलकर बना दी है स्मोग। अब स्मोग अपने को यहां दो टाइप की देखनी है, एक होगी लॉस एंजेलस और फोटो केमिकल स्मोग। इसका नाम लॉस एंजेलस क्यों बना, क्योंकि ये पहली बार लॉस एंजेलस में देखी गई थी। दूसरी स्मोग है अपनी लंडन स्मोग और सल्फर स्मोग, ठीक है, ये कब देखी गई थी, कहां देखी गई थी, कहां, लंडन में ये देखी गई थी,
ठीक है। अब देखो जो ये हम मैं आपके सामने बोल दूं कि फोटोकेमिकल स्मोग, तो आपको पूछना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोग होती क्या है। तो ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है, ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है। क्या है इसमें, पैन आएगा, पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। और क्या होती है इसमें, ओजोन होती है, और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। इधर बात करें कि लंडन या सल्फर स्मोग वो क्या होती है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स होते हैं, यानी H2SO4 के वेपर्स होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये बनी कैसे हैं आखिर। देखो सिंपल सी बात है, दोनों स्मोग हैं, ये भी स्मोग है, ये भी स्मोग है, तो स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा, स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा। अब एक कंफ्यूजन आती है कि टेम्परेचर कैसे बताएं। देखो इसमें होता है हाई टेम्परेचर, इसमें होता है लो टेम्परेचर, ये कैसे बताएं। तो सिंपल सी बात है, लंडन, देखो लंडन कहां पे है, इंग्लैंड में ही तो होता है, लंडन है ना, वहीं पे तो होता है। तो इंग्लैंड में, लंडन में तो आप देखोगे ना लगभग हर महीने 12 के 12 महीने क्या है, ठंड रहती है, लगभग ठंड रहती है, ठंड का मौसम। तो ठंड का मौसम यानी लो टेम्परेचर, तो इसमें लो टेम्परेचर होगा, इसमें हाई टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये है H2SO4 यानी सल्फर के ऑक्साइड, तो इसमें रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अब ये ओजोन है, तो याद कर लेना ओजोन आई है, तो ओजोन किससे बनी होगी, ऑक्सीजन से बनी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यूवी लाइट इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हाई टेम्परेचर है यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, तो यूवी लाइट भी उसमें पाई जाएगी। ठीक है, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है BOD एंड COD वर्सेस, बोलो या एंड बोलो, कुछ भी बोलो, बेसिकली हम इसी में सारा समझ लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको आज के बाद याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। नाम इसका आएगा BOD, आप नाम से ही बता दोगे ये क्या होता है, कैसे होता है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कृपया करके अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक आसान सी ट्रिक। देखो इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, और इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड। अब ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, बायो, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है। ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब यहाँ पे किसने की है ऑक्सीजन की डिमांड, केमिकल ने की है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड की है केमिकल ने, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पे भी ऑक्सीजन की डिमांड है, जो किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाम में यार है बायो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और यहां पे ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, केमिकल ने की है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन, किसका करना है, तो किसका करना है, बैक्टीरिया है। देखो बैक्टीरिया है बेचारा, प्लास्टिक का तो है ना कर नहीं पाएगा डिग्रेड, है ना, सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जबकि केमिकल है जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। तो यहीं पे अपने सारे डिफरेंस बन गए कि BOD में ऑक्सीजन की डिमांड कौन करता है, बैक्टीरिया जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और COD में क्या यूज करते हैं हम, केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और क्या है, BOD में ऑक्सीडेशन होती है, और इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन तो होगी, और इसमें ऑक्सीडेशन किस चीज की होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, जबकि यहां की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए और BOD और COD में से कौन ज्यादा होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, यहां पे बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, तो COD हमेशा BOD से ज्यादा होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन चुका है।
ठीक है। अब सीओडी का इससे ज्यादा सीओडी का अपने पास यहां काम नहीं है, अपने पास काम है सिर्फ बीओडी का। ठीक है, तो बीओडी का मैंने अभी अभी बताया आपको क्या है। बीओडी क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड है, जो किसने की है? बैक्टीरिया ने की है। क्यों की है? क्योंकि बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है। इसको मैं आपको अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा अच्छे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखो, मान लो ये अपने पास एक तालाब था, ये अपने पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब है, पोंड है, लेक है, कुछ भी मान लो। अब इस तालाब में पानी भरा है, जाहिर सी बात है ब्लू कलर का ये हम पानी भर देते हैं, इसमें पानी भरा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है नेचुरली इस वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। हाँ, इस वाटर बॉडी में ये ऑक्सीजन कैसे है? डिजोल्व है, यानी इसमें घुली हुई है, डिजोल्व है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम डिजोल्ड ऑक्सीजन बोल देते हैं, है ना। और इसी ऑक्सीजन के सहारे कौन जी रहा है? जो भी इस तालाब में मछलियां हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो इस ऑक्सीजन का यूज करके वो जी रहे हैं। अब हुआ क्या, मान लो हुआ क्या, मैंने यहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, मैंने यहां पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब यहां इसके अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मान लो ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूं कि मैंने ये ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको? इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए इन बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन इनको कहां से मिली थी? इस तालाब में जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का ये यूज करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहां पे एक बात हमें पता चली। देखो, अब यहीं पे है अपना कंसेप्ट बीओडी का, है ना। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी, तो उतनी ज्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। और ये ऑक्सीजन जो चाहिए थी इनको, इसी को हम बोल रहे थे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इन बैक्टीरिया को जो ये ऑक्सीजन चाहिए थी इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने में, उसी को बोल रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उतना ज्यादा बीओडी होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज्यादा, बीओडी भी उतना ज्यादा होगा। लॉजिकल बात है, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात, ऑर्गेनिक वेस्ट जब हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने, माइक्रोब्स ने, अपने बैक्टीरिया ने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में ये अपना डायग्राम है। अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहां पे सीवेज डिस्चार्ज, यानी यहां पे हमने वेस्ट डाला, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, यहां पे हमने वेस्ट डाला किसी रिवर में, है ना। अब रिवर में वेस्ट जब डालेंगे तो देखो, डिजोल्ड ऑक्सीजन जो इतनी थी वो एकदम से कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया किसने? माइक्रोब्स ने। और बीओडी जो है, देखो, सीवेज में यहां पे वेस्ट डालते ही बीओडी एकदम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि माइक्रोब्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे एक बात अपने को पता लग सकती है कि देखो, डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या है? कम होती जा रही है। तो मान लो यहां पे ये मछली रह रही थी बेचारी, ये मछली इस डिजोल्ड ऑक्सीजन के सहारे जो थी, डिजोल्ड ऑक्सीजन अब कम होती जा रही है, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी, है ना, खत्म होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। देखो, ओजोन के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला? ओजोन के बारे में जो भी प्रश्न अपने सामने बन सकता है वो अपने सामने ही लिखा हुआ है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता। सबसे पहला क्वेश्चन, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से हमें बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से
हमें बचाती है, हिंदी में बोले तो पैराबैंगनी किरने। ठीक है, अब अल्ट्रा वोयलेट रेस से हमें बचना है ना, आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है अल्ट्रा वोयलेट रेस में जो ओजोन हमें इससे बचाती है। तो अल्ट्रा वोयलेट रेज अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, मतलब ओजोन हमें इससे नहीं बचाएंगी, तो अपने को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हमें हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैटारैक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है, ये बातें क्लियर है। ठीक है, अब ओजोन प्रेजेंट कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जाम में कि स्ट्रेटोस्फेयर था, थर्मोस्फेयर था, आयनोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर था, क्या था। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा ना एक ऑर्केस्ट्रा, आपने सुना होगा ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। अब इसमें देखो, ओ से अपने को याद आएगा ओजोन और स्ट्रा, स्ट्रा से याद आएगा अपने को स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन प्रेजेंट होती है भाई साहब या बहन साहब, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ओजोन की थिकनेस को किसमें मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट में, डॉब्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो साउंड होती है ना, जो आवाज, कितनी तेज आवाज है, उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में, उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में, और इसकी थिकनेस को डॉब्सन में। तो इन दोनों को, दोनों डी से आ रहे हैं, पक्का कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा डेसिबल और डॉब्सन का। नेक्स्ट है, ओजोन इज डिग्रेडेड बाय सीएफसी। देखो, हम जो फ्रिज, घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, ठंडा ठंडा पानी पीते, ठंडा ठंडा कुछ कुछ खाते, ठीक है, तो उस फ्रिज से या फिर एसी में, है ना, एसी में जब ठंडी हवा खाते हैं तो वो फायदा तो कर रहा है, हमें ठंडी हवा दे रहा है, पर वो नुकसान भी बहुत कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वो हवा में क्या रिलीज करता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, अपनी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन को नुकसान पहुंचा तो ये अपने पास आ जाएंगी, ये अपने पास आई तो ये भी अपने को हो सकता है।